दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर 22 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर को रिजर्व किया गया था। उस समय छात्रों को उम्मीद थी कि ये ऑर्डर बहुत जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर को लेकर 7 महीने बीत चुके हैं। पिछले महीने जून के अंदर कोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि इस ऑर्डर को 3rd week of July में जारी कर दिया जाएगा। अब 3rd week of July कल से शुरू होने वाला, यानी कि 17 तारीख से 3rd week of July आपको ऑफिशियल तौर पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बात की जाए ऑर्डर के बारे में, तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए जजेस के माध्यम से जून में ही बताया गया था कि 3rd week of July को ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, उसी याचिका को लेकर 17 जुलाई 2023 यानी कि कल की तारीख में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन सुनवाई होने से 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक नया नोटिस जारी होता है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया जाता है 17/7/2023 यानी कि कल सोमवार को जो भी यहां पे सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली थी अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर, जिनके माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिजर्व किया गया था, उन सभी के संबंध में लिखा हुआ है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा ऑनरेबल भाटी जी विल नॉट बी होल्डिंग कोर्ट 17/7/2023, हैंस सिटिंग ऑफ बेंच कंपेरिजन ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड भाटी जो भी हैं बैठने वाले हैं कोर्ट नंबर 6 के अंदर स्टैंड कैंसल। साथ ही ये भी जो मैटर है वो सभी को एडजोन कर दिया जाता है, यानी कि कल 17 जुलाई 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर होने वाली सुनवाई के संबंध में जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के छुट्टी पर जाने की वजह से उनकी बेंच के अंदर होने वाली सुनवाई को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर के बारे में कल जो अपडेट मिलने की उम्मीद थी वो अब शून्य हो गई है, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं होगी तो अपडेट कहां से मिलेगी। अब देखना ये होगा कि ऑर्डर कब तक जारी होता है, क्योंकि कल से जो शुरू होने वाला सप्ताह है उसी में बताया गया था कि 3rd week of July में ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है। और जिस याचिका पर कोर्ट के माध्यम से बताया जाता कि ऑर्डर कब आएगा, अब उसकी भी सुनवाई कल नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे को कब सुना जाता है और क्या 3rd week of July के अंदर ऑर्डर जारी होता है या नहीं। जो भी अपडेट होगी आपको रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी तभी होगा जब प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तो मांग की गई, लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग की वजह से ये प्रोसेस आज तक आगे नहीं बढ़ा। इसी के संबंध में अगर बात की जाए, आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर वार रखा गया था, जिसमें छात्रों का हैशटैग ये था यूपी बॉन्ड शिक्षा आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि यही वो आयोग है जिसके माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कार्य हैं वो होंगे, जिसको लेकर आज टॉप ट्रेंड में देखने के लिए मिला और ये मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंड कर गया। ये छात्रों की मेहनत ही होती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर 23 लाख अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं और आप 1 लाख ट्वीट को लेकर ऐसे बताएं जैसे पता नहीं कितने ट्वीट हुए। तो सोचने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी ट्वीट करते नहीं हैं, उनको कहा जाए कि वीडियो को लोगों तक शेयर कर दो, उनको पता चले नहीं करेंगे, ट्विटर पर जाके अपनी मांग उठाते हम नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पे हम मांग उठाते हम नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ना। अब जिन्होंने 1 लाख ट्वीट किया है उनके लिए तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने वाला ज़्यादा बेहतर है कि चुपचाप बैठने वाला। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर आज जिन अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्वीट किए गए उन सभी को पहले तो धन्यवाद, लेकिन इसी प्रकार आप सभी को अपने मुद्दे को उठाना पड़ेगा, तभी निश्चित तौर पर नई शिक्षा सेवा आयोग का जल्द गठन होगा और जितनी जल्दी आयोग का गठन होगा उतनी जल्दी आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर, साथ ही साथ सीएम योगी के बयान के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार हर संभव प्रयास
सरकार तक पहुंचाने का है, जिससे कि जो कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आया है उसका फ़ायदा उठाते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाए। उम्मीदें ये हैं कि कल से शुरू होने वाले सप्ताह में लगातार अधिकारियों से जो वार्ता वो की जाएगी और जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी एडिट जूनियर को लेकर आपको दी जाएगी। फिलहाल एडिट जूनियर को लेकर शासन स्तर पर कुछ चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन ये कल से पता चलेगा जब कार्यालय खुलेंगे। बात कर लेते हैं सीएम योगी के बयान के बारे में। निवेदन करता हूं और इस अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरित होने के लिए आपके लिए जो एक आनंददायी क्षण आया है, इसके लिए आपके परिवार के सदस्यों को, आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर राजस्व परिषद के 66, प्रावधिक शिक्षा के 204 और लोक निर्माण विभाग के 130 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रावधिक शिक्षा में कार्यशाला अनुदेशक और लोक निर्माण विभाग में कनिष्क सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर यह हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है, उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6,00,000 शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं, और इन 6,00,000 नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया। और आज के दिन पर किसी भी विभाग के नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को जब प्रदेश में ही उसकी प्रतिभा का सम्मान होने लगा है, तो आज उसका परिणाम है कि प्रदेश भी द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक क्षेत्र में आज प्रदेश विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है और देश के अंदर बहुत सारी नजीरों को प्रस्तुत। हालांकि मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर ज़्यादा कुछ नया होता नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपने जो बयानों के अंदर जानकारी दी जाती है वो आमतौर पर पुरानी भर्तियों को लेकर ही होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।